एग्जाम्पल्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। भैया जी जो भी चीज अपन पढ़ते हैं सीखते हैं, अपनी ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि अपन अगर उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कोरिलेट करें तो एग्जाम में लिखने में भी दिक्कत कभी नहीं होती और आपको समझने में भी नहीं। तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम क्या है वो तो अपन अभी देख चुके हैं, अभी ये देखते हैं कि उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या है, जो भी चीज सीख रहे हो उसका लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, कैसे होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, While listening to someone playing flute on the transistor, tone and volume control are adjusted in a way that makes the music more melodious. तो अगर कोई बंदा है या बंदी है जो ट्रांजिस्टर पे फ्लूट बजा रहा है, तो वो फ्लूट जब भी अपन वो सुन रहे हैं तो क्या होता है ना कि वो वॉल्यूम कंट्रोल इस तरह से एडजस्ट किया होता है और टोन भी, कि वो म्यूजिक आपको मेलोडियस लगे। वो जो तार होते हैं ना गिटार के, अपन वो तार छेड़ते तो सुर निकलता है, तो वो भी एक तरीके से अपन एडजस्ट करते हाई से लेके लो तक या फिर लो से लेके हाई तक। दूसरा एग्जांपल मस्त है, इंटरेस्टिंग है, ये तो आप लोग जल्दी समझ जाओगे। भाई आपकी स्कूटी होती है ना, हर कोई तो स्कूटी तो चलाता है, तो उसकी स्कूटर का एग्जांपल याद रखो। व्हाइल ट्यूनिंग द कार्बोरेटर ऑफ स्कूटी, कभी कभी ठंडी के मौसम में या फिर जनरली कभी भी आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, तो आप लोग क्या करते हो, या तो किक मारोगे या फिर किक मार के क्या करते हो, वो जो स्कूटी का एक्सेलरेटर रहता है ना, You guys will try to raise this to the maximum. आप लोग उसको पूरा जो भी हाईएस्ट स्पीड है ना वहां तक वो एक्सेलेटर आप लोग घुमाते हो, तो क्या होता है ना उससे स्कूटी का वो जो एक्सेलेटर है वो हाईएस्ट स्पीड तक चला जाएगा, और फिर क्या करते हो वो गाड़ी को वैसे ही ऑन कंडीशन में छोड़ देते हो। तो अभी मैंने एक्सेलेटर हाई तक रेज किया, तो भैया इधर हिल क्लाइंबिंग आ गया। हिल क्लाइंबिंग में करते क्या है अपन, लो से लेके हाई तक मुझे मैक्सिमम हाईएस्ट, ये जो मेरा ग्लोबल पीक है यहाँ तक पहुंचना है, तो हिल क्लाइंबिंग में भी अपन वही कर रहे हैं। और अभी एक एग्जांपल देखो, व्हाइल ट्यूनिंग द कार्बोरेटर ऑफ ए स्कूटर एक्सेलेरेटर इज रेज्ड टू इट्स मैक्सिमम एंड द कार्बोरेटर इज ट्यून्ड एंड द इंजन कीप्स ऑन रनिंग। तो उससे क्या होता है, मैंने क्या किया, मेरा जो एक्सेलेरेटर वो मैक्सिमम तक आप लोग लेके गए स्कूटी का एक्सेलेरेटर, और उससे क्या होगा, अभी स्कूटी का इंजन थोड़ा एक या दो मिनट के लिए स्कूटी आपकी कंटिन्यूसली ऑन कंडीशन में रहती है। ठंड के मौसम में सब लोगों ने ट्राई करके तो देखा ही होगा, तो ये आपका रियल लाइफ एप्लीकेशन है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। तो अभी समझे हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, ये उसके एग्जांपल्स थे।